आज हम लोगों ने बुलेट ट्रेन पकड़ी, जिंदगी की पहली बुलेट ट्रेन, जिसके सामने लाल लाल छींटे थे, कोई पान तूक के गया साले था। सच में मैंने वीडियो सामने। बनाया, अच्छा मेरे वीडियो बनाया है, लाल लाल छींटे गिरे हुए थे। वही वही करने गए थे तुम। हाँ मैं वही सोच रहा साले कहाँ गायब हो गए, हाँ मतलब हर कहीं ये गुटखा थूकने वाले हैं। तो कंडक्टर था शायद, मैं किसी एनीमे में देखा था, वो एकदम वैसा ही था, यूनिफॉर्म में डिट्टो, खाना खाना और मतलब वेल बिल्ट, ऐसा नहीं कि पेट बाहर निकला ऐसा कुछ टाइप, नहीं नहीं बुढ़ा भी नहीं, यंग हाँ यंग था। यंग था, वेल तभी तो, बिल्ट। तभी तो देखा नहीं उसने कितने कॉन्फिडेंस अपन को बोला, चल सामान उठा अपना यहाँ से बाहर निकल। हाँ, ऐसे नहीं बोला, मतलब एक काफी अच्छे कमांड के साथ यहाँ नहीं अपना। पीजे को घर पे जब जूते पड़ते होंगे तो वो भी ऐसे ही करता होगा। ऐसा नहीं था, इतनी डांट नहीं पड़ी, अच्छे कमांड के साथ बोला पापा ने। हाँ मम्मी ने बस चप्पल मारी लेकिन प्यार से मारी, वो भी कमांड के साथ थी। तो बुलेट ट्रेन का सीन ऐसा है ना, आप टिकट रिजर्व करो, सीट अनरिजर्व में भी जा सकते हो, फिर जो मिल जाएगा बैठ जाना, बट हमने नंबर बुक किया हुआ था। ड्राइवर ने उतर के सॉरी बोला तुम्हें क्या? सॉरी बोला लेट होने पे? नहीं बोला भाई। भाई यार एक घंटा लेट थी, एक घंटा बीस मिनट हाँ एक घंटा बीस मिनट सही जा रहे हैं। एक बड़ा सुपर चैट आया देखो, 2000 का। ओ भाई 2000 नहीं 200 का है। अच्छा 2000 का। तो बुलेट ट्रेन जो थी हमारी, एक घंटा 20 मिनट लेट थी। वो अच्छी बात है कि उन्होंने पहले ही बता दिया था पीजे, अच्छा इतना लेट चल रहा है। पिम्बो भाई कह रहे हैं पीजे भाई वहाँ रेंट गर्लफ्रेंड का भी सीन है, इन केस यू डोंट नो। पिम्बो भाई मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इन केस यू डोंट नो, पीजे को अब रेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो भी दूसरे देश जाके। अरे सोचा बता दूँ। नहीं मजाक मजाक कर रहा है। तो हाँ फिर ट्रेन का एक्सपीरियंस ऐसा था, अंदर गए हम लोग और जैसे लगेज बहुत ज़्यादा है ना, पीजे के दो बड़े बड़े सूटकेस है, मेरा एक और मोहित का एक। हाँ तो कुछ नहीं, तो बड़ा स्लो प्रोसेसर काम करता है, चल भाई। हाँ तो वहाँ पे सामान रखने की जगह ही नहीं है भाई, ये दोनों घुसे लास्ट वाली सीट के पीछे, दबा दिया उसको। और मैं सोच रहा हूँ मेरा भी घुस जाए, नहीं बैठ गए हम लोग। 5 मिनट बाद वो आके बोलता है, जो कंडक्टर बोलेंगे उसको, जो भी है, कहाँ जाना है? ये अंदर जाएंगे, लाल वाले के अंदर। आगे क्या? बोलता है कि तुम लास्ट वाले जो तुमने सूटकेस दबाए हैं, वही रास्ता है। सूटकेस जो दबाए हैं वो नहीं चलता, बाहर निकालो और अपने पाँव के आगे रखो। तो रखने के बाद पाँव रखने की जगह नहीं थी, बड़ा मुश्किल से बैठ के आए भाई बुलेट ट्रेन। घुटने मोड़ तोड़ के आए हम लोग, बस ये समझ लो कि ब्रैड पिट को ज्यादा आसानी रही होगी। हाँ यार मतलब वो पिक्चर में देखे तो बुलेट ट्रेन अलग थी, ये बुलेट ट्रेन एकदम ही अलग है। वो तो भाई बहुत लग्जरी टाइप की थी बुलेट ट्रेन, ये मतलब ठीक थी, सिर्फ रिजर्व कराए थे सीट से। रिजर्व वो इकोनॉमी में ही घूम रहे थे हम लोग भी। और ब्रैड पिट बैठता भी कैसे, स्टेशन आया सामने बैठ गया वो। अरे तो तुम ये देखो ना कि वो उसकी इमेज बहुत अलग टाइप की थी मूवी की, बहुत इजीली वो उसमें बैठ के और कैसे घूम के इधर उधर जा रहे थे, लड़ रहे थे। यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है तुमको कितने स्टॉप्स थे उसमें। हाँ इसमें एक स्टॉप होगा बस, एक ही था नागानो, नहीं स्टॉप्स तो थे ना काफी, नहीं एक नागानो था और दूसरा वो था क्योटो। हाँ माउंट फुजी दिख गया, क्लियर था स्काई तो, और दूसरे साइड था सीट के। डायरेक्टर साहब हूँ। हाँ वो फर्स्ट क्लास ग्रैंड वाले बैठ गए। यो हाँ वही बिजनेस में बैठा होगा वो। बट वो ये सामान रखने की जगह नहीं, अगर बहुत ज़्यादा सामान है तुम्हारे पास तो ऊपर रख सकते हो, बट अगर सूटकेस भारी है तो उठा के रखना, वो तुम्हारी जिम्मेदारी। लेकिन जो स्पीड पे चल रही थी। भाई 300 सच में 280 नहीं नहीं, जैसे मैंने बाहर भी कभी यूरोप में भी फोटो खींचते ना फोन से। हाँ, हाँ। तो एकदम क्लियर आती है, यहाँ पे मैं खींच रहा हूँ ना वो ऐसा ब्लर आ जा रहा है। अच्छा शटर स्पीड स्लो हो जा रहा है तुम्हारा। हाँ कैच नहीं कर पा रहा। अब समझ में आया कि जापान में इतनी आसानी से कुछ ब्लर क्यों हो जाता है। तेजी से काम हो जाता है। फोन में तुमने स्पीड चेक किया था 280 था ना, 280-300 किलोमीटर पर आवर। हाँ और उस पर भी मोहित ने अपना फोन ऐसा खिड़की को टिका के खड़ा कर दिया था और वो हिल नहीं रहा था। हाँ। फोन वैसा का वैसा ही है, गिर जाएगा पलट जाएगा उसका कोई डर नहीं। ये हम लोग आ गए